ईद पर एक बार फिर सलमान के फैंस के लिए रूपहले पर्दे पर भारत फिल्म रिलीज हुई। अब्बास अली जफर के निर्देशन में बनी फिल्म भारत साउथ कोरियन फिल्म ओड टू माय फादर की रीमेक है। इसमें निर्देशक ने भारत के जीवन के 62 सालों को दर्शाने की भरपूर कोशिश की है। भारत के लिए सलमान खान, कटरीना कैफ, सुनील ग्रोवर, दिशा पाटनी, जैकी श्रॉफ, कुमुद मिश्रा ने बेहतरीन रोल अदा किया है। राजधानी में दर्शकों ने फिल्म के एक्शन ड्रामा के साथ साथ मूवी को सराहा है। आपको बता दें कि फिल्म में भारत के 62 साल को बताते हुए सलमान कैटरीना की जोड़ी ने किरदार को अच्छी तरीके से निभाया है। खास बात यह भी है कि फिल्म में भारत पाकिस्तान के बंटवारे को बखूबी से दर्शाया गया है। बहुत अच्छी लगी और पुराने अब दिखाया गया ना पाकिस्तान हिंदुस्तान का सारा, वो हमने नहीं देखा था नज़ारा, वो अब देखा है। अब हमें को पता चला भी ये ऐसे हुआ था, हम तो पैदा भी यहाँ हुए थे, मम्मी पापा बताते थे कि ये हुआ था वो था, आज हमने खुद ऐसा देख लिया, ऐसा लगा कि बहुत अच्छा लगा। और ये अपना इसलिए रोल बहुत अच्छा निभाया है कैटरीना कैफ ने, सलमान खान ने, बहुत अच्छा। हम चंडीगढ़ से आए हैं और पहला शो पहली फिल्म देखते हैं। मस्त, शानदार, शानदार, मस्त है सर, बहुत अच्छी मूवी है। बस इतना कहूँगी, आई लव यू सलमान खान फॉर एवर, बस द बेस्ट मूवीज उनकी सबसे अच्छी मूवीज होती है हमेशा। एवर ऑलवेज लव यू सलमान। मूवी बहुत अच्छी है, सबको देखनी चाहिए। इस हाँ हर साल आती है, बहुत अच्छी मूवी है, सबको देखनी चाहिए। कैटरीना की एक्टिंग तो पहले ही मस्त है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मूवी है, फर्स्ट क्लास। मतलब कि ईद का ये हर साल ईद का एक तोहफा है जो सलमान खान की तरफ से हम लोगों को दिया जाता है। मैं 10 बजे